हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में आपको देखने को मिलेगी। किस पोस्ट पर है आपकी वैकेंसी, अगर मैं बात करूं तो आपकी जो वेलफेयर ऑफिसर एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये दो पोस्ट पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में यही डिटेल में जानने वाले हैं, इन दोनों पोस्ट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैच करते हो तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, हर एक चीज़ आपको बताने जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को क्या करना है, कंप्लीट देखना है विदाउट स्किपिंग। सारी इन्फॉर्मेशन डाउट आपकी क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। तो आपको करना है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करें किसी एक खास दोस्त के साथ। आपको सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है कि जो हमारा चैनल है ऑफलाइन वैकेंसी भी कवर करता है और ऑनलाइन वैकेंसी भी कवर करता है। ऑनलाइन में तो करता ही है, ऑफलाइन में ऐसी वैकेंसी भी कवर करता है जो काफ़ी कम कैंडिडेट्स को पता होती है, ऐसी वैकेंसी भी कवर करता है जिसमें काफ़ी कम कैंडिडेट्स को पता होता है और मिनिमम कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें फिल करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो हमारे चैनल की बेस्ट चीज़ रहती है, तो सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहें। व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डेली बेसिस पे वैकेंसी के अपडेट्स आप सभी के लिए लाता रहता है हमारे चैनल। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवगत कराने वाला हूं, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपको मैं बताना चाहूँगा नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज कितनी है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, एज लिमिट और हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करना है, फीस वगैरह क्या रखी गई है, स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट, जॉब लोकेशन क्या रहने वाले हैं। तो ये सभी जो डाउट हैं आपके मन में आपकी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को करना है कंप्लीट देखना। अगर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और नाउ हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपका स्टार्ट करते हैं अपनी वैकेंसी, जो कि पोस्ट है, रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हो चुका है और इसके एप्लीकेशन भी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको मैंने एक चीज़ बता दी, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तो आप इसके लिए रेडी रहें, प्रिपेयर हो सकते हैं। बात करते हैं वेलफेयर ऑफिसर के लिए, तो आपकी जो सैलरी का लेवल मैं बात करूं तो A2 की आपकी सैलरी लेवल रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट की एक है, A2 में आपकी जो रहने वाली है सैलरी, इस तरीके से आप देख सकते हो सैलरी स्ट्रक्चर, 29,740 रुपये से लेकर 1,03,000 तक आपकी ये वैकेंसी का आपका सैलरी देखने को मिलेगी। जो कि किस पोस्ट की अगर मैंने बात करी, वेलफेयर ऑफिसर की, इतनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी A2 के लेवल से। पोस्ट आप देख सकते हो सिर्फ एक ही पोस्ट है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व रखी गई है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन भी आपको वीडियो में ही बताने वाला हूँ दोनों पोस्ट के रिलेटेड, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। नाउ हमारी बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो B3 लेवल की आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। 15 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है, सैलरी आपको इस तरीके से देखने को मिल रही होगी, स्ट्रक्चर 21,546 रुपये से लेकर 77,160 रुपये। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है आपको इसमें देखने को मिलेगी। नाउ बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। 10 पोस्ट है आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एक पोस्ट है EWS के लिए, 4 पोस्ट है OBC के लिए, बाकी SC ST के लिए कोई भी रिजर्व नहीं रखी गई है। तो 15 पोस्ट आपकी देखने को मिलेगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो टोटल में बात करूं तो 16 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है, दोनों पोस्ट में आपकी वेलफेयर ऑफिसर एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो। नाउ आप नीचे से हम बात करते हैं, इस तरीके से आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF आपको हमारे चैनल प्रोवाइड कर देगा, तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जा सकते हो व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर। एज लिमिट इस तरीके से आपको देखने को मिल रही होगी, 18 से 30 साल आपको किस पोस्ट के लिए, वेलफेयर ऑफिसर के लिए, एंड 18 से 28 साल आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। इस तरीके से आपको रिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो आपकी एज लिमिट में, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी इसके बीच में आ रही है, तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें। बाकी OBC को 3 साल का और आपको SC ST को जो भी है 5 साल का रिलेक्सेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी SC ST के लिए तो वैकेंसी है नहीं, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी रिलेक्सेशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी OBC वालों को 3 साल का देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, दोनों पोस्ट के हम डिटेल में जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, वो कि जो कि महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए जो कि महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा ही आपको इश्यू किया जाना चाहिए, तो आपके पास ये होना चाहिए, और आप पोजेस एडिक्वेट नॉलेज, आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, और आपको मिनिमम 2 ईयर आपको इस पोस्ट से रिलेटेड आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सभी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन अगर आप मैच करो एक्सपीरियंस वगैरह, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपनी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की। जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें सैलरी भी अच्छी है, B3 लेवल है आपका। आपको इसमें क्वालिफिकेशंस, आपको ग्रेजुएट हुआ है विद 55% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ टाइपिंग, आपकी टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको किसी भी एक
लैंग्वेज में टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में आती है तो 40 वर्ड पे आनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की, अगर आपको हिंदी में आती है तो 30 वर्ड पर मिनट की आनी चाहिए। तो किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और ये चीज़ ध्यान रखना आपकी जो भी है रेगुलर फुल टाइम रेगुलर जो भी है डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो भी पार्ट टाइम और डिस्टेंस मोड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। तो जितने भी रेगुलर कॉलेज जिन्होंने करा होता है उनके लिए वैकेंसी है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो प्रोबेशन पीरियड रहा क्या है। बाकी ये प्रोबेशन एक साल के लिए रखा जाता है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाता है आपकी अच्छी खासी, आपको परमानेंट आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलेगी। और बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की, किस तरीके से फ़ीस वगैरह आपकी लगने वाली है। आपकी जो स्टार्ट डेट रखी गई है 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा, इजीली आप इसके लिए फ़ीस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह भी आपकी ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ीस आपकी इस तरीके से देखने को मिलेगी, 600 रुपीज़ की फ़ीस पेमेंट लगने वाली है जो भी जनरल OBC या फिर EW से बिलोंग करते हैं। बाकी 200 रुपये की फ़ीस पेमेंट लगने वाली है SC ST फिजिकल हैंडीकैप एंड PWD और एक्स सर्विस मैन की। तो फीस वगैरह इससे रिलेटेड आपकी होने वाली है। रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। नाउ बात करते हैं इस तरीके से, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक फिलअप होंगे तो आप आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी फ़ीस भी आपकी ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी। और आपको जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग स्किल टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंडक्ट कराया जाएगा नवंबर से दिसंबर के मंथ में 2022 में, और जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट करा जाएगा दिसंबर से जनवरी के मंथ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, रिटन टेस्ट और एग्ज़ाम कब होगा और आपकी जो भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह क्या कब होगा, ये आप वेबसाइट नोट कर सकते हो। इस पर इसके लिए आप आवेदन दे सकते हो, फॉर्म फिलअप अभी जारी हैं तो इस पर फिलअप करके आवेदन दे सकते हो 10 अक्टूबर से पहले पहले, और आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। और इस तरीके से इंटरफेस आप देख सकते हो, ये वैकेंसी आउट हो चुकी है जो कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड की है, जिसके पिन कोड इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा 422-101, जो कि यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है। तो इन जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 01/2022। तो ये चीज़ मैंने आपको सभी के सामने प्रस्तुत करी इस वैकेंसी रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी के जो डाउट वगैरह होंगे इस वैकेंसी रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो इस वैकेंसी रिलेटेड तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, हम आपका जरूर रिप्लाई देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करें किसी एक खास दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहें। हमारे चैनल आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट्स लाता रहता है समय समय पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।